और दोस्तों आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं, जो डॉक्टर है वो बोली है कि एक हफ्ते के अंदर फिर से बुलाई है, क्योंकि गाइस डॉक्टर बोली कंफर्म नहीं है क्या, मतलब सब कुछ क्लियर हो गया है। सो हेलो ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है और आप लोगों के लिए एक और ब्लॉग लेके आ गए हैं हम लोग। तो अभी जो है मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो ब्रेकफास्ट हो गया। अभी दीदी अभी भी कर रही है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे दीदी। अभी कितना बज रहा है, 10:30 बजे ये अभी ब्रेकफास्ट कर रही है। सुबह से कुछ नहीं पता है क्या, तो ये क्या गलती की दीदी, मैं वहां पे चाय पी के रखा था, उसमें पराठा डुबा के खा गई गलती से। काफी फनी। अरे 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 अरे, देख सकते हो यहाँ पे ऋत्विक बदमाशी कर रहा है यहाँ पे मेरी छोटी सी प्यारी भांजी के साथ। तो ऋत्विक प्यार करता है उसको, लेकिन उसको पता नहीं है अभी जोर से वो दबा जाएगा, इसीलिए अभी वो छोटी है अभी। मानू का आओ जाए ना, उन्हें देवे दीते नहीं ना। अरे मानू का हामी दिन दो, तो देख सकते हो, अब देख सकते हो कैसे पप्पी दे रहा है ऋत्विक। सो आओ बेटा, आ जा हम लोग, आ जा इधर, आ जा ऋत्विक, जो भी खाते है उसके साथ शेयर करते हैं। सो चलिए दोस्तों, अभी आप लोग बने रहिए, मैं अभी रोशनी से मिलाता हूँ, वो अभी क्या कर रही है आप लोग को मैं दिखाता हूँ। सो चलिए। सो गाइस आप लोग सोच रहे हैं अभी रोशनी कहाँ है, तो रोशनी अभी छत उसको ले गए, तो हमको अभी कुछ सामान लेने के लिए बोली है वो लाने के लिए, तो अभी मैं ले लेता हूँ ये सब सामान। सो चलिए चलते हैं, अभी हम लोग छत जाएंगे। और आप लोग को गाइस बता रहे हैं, एक सेकंड, ये सब सामान मैं लेके जा रहा हूँ, अभी दीदी और मैं मिलके रोशनी को छत पहुँचाएं, वो चढ़ नहीं पा रही थी अकेले, मतलब अकेले वो चढ़ नहीं पा रही थी। सो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को रोशनी अभी क्या कर रही है, तो उसका तबीयत अभी काफ़ी ख़राब है, और आप लोग को वहीं पे ले जाके बोलते हैं दोस्तों, थकानी हो रहा ऊपर छत चढ़ने में। सो मैं अभी छत आ चुका हूँ, तो आप लोग अभी बने रहिए, मैं बैग से दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये सब अभी मैं ले जाके रोशनी को देता हूँ, और देख सकते हो ये अभी धूप में सोई हुई है, और अभी रोशनी को लेके आए हम और दीदी मिलके, और बाबू सबको भी लाए, देख सकते हो यहाँ पे क्यूटी को। और अभी रोशनी का तो तबीयत ख़राब है आप लोग देख सकते हो, और आप लोग को अभी बहुत सा बात करना है इस ब्लॉग में, तो आप लोग बहुत कोई पूछ रहे थे कि क्या हुआ है क्या हुआ है, तो इसका अभी नहीं बताएंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगी, तब तक अभी हम लोग नहीं बताने वाले हैं वो चीज़। सो अभी कुछ बात भी करना है आप लोगों के बीच में, तो चलिए दोस्तों अभी लोग बने रहिए, रोशनी को थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लेने देते हैं। सो चलिए, हल्का बल फुल्का जो है सिंदूर है, और क्या कहता है बिंदिया है, और मुँह में लगाने वाला मिल्क क्रीम है, और ये ऋत्विक देख सकते हो पूरा बोरोलिन तो लगा लिया है बदमाश। ऋत्विक बहुत बदमाशी करता है गाइस, अभी क्या बोलेंगे, अभी रोशनी का तबीयत भी खराब है, और फिर भी इसको मतलब अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऋत्विक का बर्थडे बस और के दिन रह गया, अभी ऋत्विक का बर्थडे और कई दिन रह गया, और लगेगा बेटा मम्मी को अभी चोट लग जाएगा ना, ले दिन ना इधर आ जा, चलो कुकर लेके खेलेंगे ना। ऋत्विक को अभी देख सकते हो रोशनी का चोट लग गया है, अभी उसका अभी भी प्रॉब्लम है, और वो उसके ऊपर चढ़ने खोज रहा है। बेटा लो ये तेरा कुकर, ये गाइस कुकर लेके खेलता है, एक अजीब सा लड़का है ये, कोई भी बच्चा नहीं देखे जो कुकर लेके खेलता है, ये कुकर लेके खेलता है, तो खेलने देते हैं इसको। और रोशनी को भी पूछते हैं कैसा है आगे से, अभी तो डॉक्टर ने क्या बताया क्या नहीं वो तो आप लोग के साथ अभी शेयर करेंगे ही करेंगे। सो चलिए अभी दोस्तों आप लोग बने रहिए। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो रोशनी का तबीयत खराब है, तो वो अपना बाल भी नहीं झाड़ी है, ऐसे ही बैठी हुई है। सो मैं सोचा इसका बाल झाड़ देते हैं, सो अभी फर्स्ट टाइम मैं इसका बाल झाड़ रहा हूँ,
फर्स्ट टाइम नहीं, एक दो बार झाड़े हैं जब तबीयत काफ़ी ख़राब रहता है उस टाइम। सो मैं इसको अभी अच्छा से, इसको इसका तबीयत ख़राब रहने से क्या होगा, इसको मैं बाल झाड़ दूंगा अभी, और इसको जो जो चीज़ लगाती है वो चीज़ उसको लगा देंगे अभी। और अभी देख सकते हो दोस्तों, दीदी हम लोग का ब्लॉगिंग शूट कर दे रही है। जोट जोट लग गया, देख सकते हो पूरा जोटा लग गया है बाल सब में। आस्ते आस्ते देख सकते कितना बाल झड़ रहा है इसका, दवाई का असर है। बहुत दवाई का असर, देख सकते हो गाइस कितना बाल झड़ रहा है इसका। बाल झाड़ू बंद कर, अरे तुम्हें दवाई इधर आओ, तू कीजे कुछ। और दोस्तों आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं, जो डॉक्टर है वो बोली है कि एक हफ्ते के अंदर फिर से बुलाई है, क्योंकि गाइस डॉक्टर बोली कंफर्म नहीं है क्या, मतलब सब कुछ क्लियर हो गया है, अभी एक अल्ट्रासाउंड होगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा। तो अभी भी टेंशन लगा हुआ है, और रोशनी का जो है पेट दर्द दे रहा है बीच बीच में, तो दवाई दिए है डॉक्टर, वो सब अभी खा रही है ये। और आप लोग बहुत कोई बोल रहे थे क्या, कल का वीडियो पे बोल रहे थे आप लोग, क्या बोल रहे थे इसे भूल गए अभी, कोट वाला। हाँ कोट वाला में, जिसमें एक मैं कोट पहन के गया था तो ठंडा लग रहा था, सब कोई बोल रहा हॉस्पिटल कौन कोट पहन के जाता है, सो कोट पहन के इसीलिए गए थे गई क्योंकि ठंडा लग रहा था, और स्वेटर मेरा जो था ये खींचा हुआ नहीं था, इस साल ज़्यादा स्वेटर भी नहीं है मेरे पास। कोट ये डेली यूज़ करता है, डेली हम डेली पहनते हैं, मेरे पास दो कोट है जिसको हम एक दिन ये पहनते हैं एक दिन वो पहनते हैं, हमको अच्छा लगता है। अब उठा के बांधो। और फिर से एक सप्ताह बाद हम लोग को जाना होगा देवघर, तो अभी देखिए क्या रिपोर्ट आता है। कल का वीडियो में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यू दिए थे, सो हम लोग का जब मुसीबत आता उसी टाइम अच्छा वीडियोज़ पे व्यू आता है, ऐसे में तो आप लोग प्यार नहीं देते ब्लॉग्स पे। सो हम लोग अच्छा अच्छा ब्लॉग्स डालते रहेंगे, आप लोग को बताते रहते हैं। और ऋत्विक का गाइस बर्थडे आ रहा है अभी, और इसीलिए मेरे को ज़्यादा टेंशन हो रहा है, और डॉक्टर बोली है एक सप्ताह बाद आने, तो खैर ऋत्विक का बर्थडे पार हो जाएगा, तब तक खाली रोशनी ठीक रहे, आप लोग बस यही दुआ कीजिए। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो रोशनी का बाल बांध दिए, तो कैसे बांधे देखिए, मैं अभी बहुत दिन से नहीं बांधा था तो आज को बांध दिया, और अभी वो लगाएगी क्या क्या चीज़ मेरे को नहीं पता, वो सब वो कर लेगी अपने से। सो देखिए अभी वो क्या कर रही है, बिंदी लगाए और ये पीच क्या मिल, पीच मिल मॉइस्चराइजर। तो इसको रेडी होने देते हैं। और गाइस आप लोग को बता रहे हैं, हम लोग को अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पैसा का भी खर्चा हो गया है। सो आप लोग वीडियो में प्यार नहीं दे रहे हो, तो अभी पेमेंट भी दो महीना से नहीं आया है, रुक गया है पेमेंट। सो आप लोग थोड़ा प्यार दीजिए वीडियोज़ पे, क्योंकि अभी पैसा भी हम लोग पास ज़्यादा नहीं है, सेविंग नहीं करके रखते हैं, तो सामान बेचना होगा तो वो सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। सो अभी खर्चा भी बहुत होने भी वाला है, कोई ठीक नहीं है, अभी क्या रिपोर्ट आएगा आप ही लोग देखिएगा, आप ही लोग के बीच में सब कुछ आएगा। और गाइस कल को हम लोग जो है सोच रहे हैं, हम लोग नहीं है, मैं जाऊंगा, रोशनी को तो लेके नहीं जा सकता इस साल में, ऋत्विक का भी शॉपिंग करना है, तो रोशनी थोड़ा ठीक हो जाएगी, कुछ ज़्यादा नहीं, ऋत्विक का खाली एक मतलब ब्लेज़र लेना है, क्योंकि उसका बर्थडे है तो उसको भी अच्छा लगेगा, केक कटिंग करेंगे उसका। तो रोशनी का अभी पेन हो रहा है तो वो परेशान है, को वो ज्यादा शौक है केक काटने का, डीजे पे नाचने का, सो उसके लिए एक होम थिएटर उसको गिफ्ट करेंगे सोच रहे हैं हम लोग, और बहुत सारी चीज गिफ्ट करेंगे, उसका गाड़ी गिफ्ट करेंगे। तो पैसा, बेटा का बर्थडे है, पैसा के लिए कहीं से भी इंतजाम करके करना ही होगा, तो उतना पैसा है जो इसका बर्थडे पार कर सकें, क्योंकि अभी तो रोशनी का ई में कम से कम अभी तक हम लोग का 40,000 खर्चा हो चुका है, और फिर भी डॉक्टर बोला है अभी भी सक्सेस हुआ, अभी भी सक्सेस हुआ है या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो गाइस मेरा पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मतलब समय से पहले ही मेरा ऑपरेशन कर दिया है, इसीलिए बोला कि आप लोगों को 8-10 दिन के बाद दोबारा आना है, दोबारा चेकअप वगैरह कराना है। सो हम लोग गए थे हॉस्पिटल 16 तारीख को सुबह में 8 बजे एडमिट हुए थे, और 17 तारीख को 2-3 बजे तक छुट्टी मिल गया था, हम लोग घर आ गए थे, और 18 तारीख कल हम
ठीक थे और फिर आज से पेन स्टार्ट हो गया। कल हम पूरा दिन ठीक थे, कल दवाई का असर था, जितना दिन दवाई का असर था उतना दिन। कल हम छत में बैठे थे, बहुत सारा वीडियो भी बनाए हैं कपड़ा वगैरह का, बट आज फिर से पेन स्टार्ट हो गया। तो आज को तो ये चढ़ भी नहीं पा रही थी दीदी और हम मिलके इसको लाए छत पे। सो दोस्तों आप लोग को बस यही बोलेंगे कि अभी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट का भी ज़रूरत है। हम लोग यही चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, फिर आप लोगों को बताएंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी बताएंगे ना तो पूरा हम लोग का जो यहाँ का मोहल्ला है ना काफ़ी ज़्यादा खराब है, और बहुत कोई बहुत तरह का चीज़ बददुआ देता है, बहुत कोई अच्छा बोलता है दुआ देता है, कोई कोई बददुआ देता है, इसीलिए अभी रिवील नहीं कर रहे हैं। सबको यही कमेंट कर रहा है कम एज का शादी ये वो, माँ बाप को धोखा देने का सजा। सो जब तक रोशनी ठीक नहीं हो जाएगी ये हम लोग नहीं बताएंगे रोशनी का कौन चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, आगे भी हो सकता है, तो डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोग गाइस सपोर्ट कीजिए, हम लोग को यही बोलेंगे। सो चलिए दोस्तों हम लोग ज़्यादा बड़ा ब्लॉग्स नहीं रखेंगे आप लोग के बीच। ब्लेजर करके आप लोग दिमाग खराब मत करो, आरएस जो पहन के था वही पहन के चल गया था ना, वो चेंज मैं चेंज भी नहीं किया था। उससे पहले दिन रास मेला गए थे रोशनी को घुमाने, क्योंकि ऑपरेशन होने वाला था तो मेला गए थे, तो वही सुबह वही पहन के ही मैं निकल गया हड़बड़ी में। हम लोग ब्लॉग डाले भी नहीं, मेला वाला ब्लॉग्स अभी तक डाले नहीं है, वो पेंडिंग में आगे ही शूट करके रखे हैं ऑपरेशन से पहले, तो वो वाला ब्लॉग्स आप लोग को दे देंगे, हो सके तो कल को ही दे देंगे। सो दोस्तों प्लीज अभी थोड़ा प्यार दीजिए और व्यूज दीजिए हम लोग को, थोड़ा सा आप लोग का प्यार का जरूरत है अभी, क्योंकि राई रोशनी ऐसे में नहीं बोलते हैं 10,000-12,000 व्यू आता उसी में हम लोग खुश हो जाते थे, बट अभी हम लोग को थोड़ा व्यूज का जरूरत है। तो कल का वीडियो में काफी प्यार दिए आप लोग, तो इसी तरह प्यार दीजिए दोस्तों। सो चलिए दोस्तों अभी रोशनी का हमको नीचे लेके जाना होगा, क्योंकि अभी कुछ खाई नहीं है, तो अभी इसका खाना में भी बहुत सा चीज़ चेंजिंग आ गया है। सो आप लोग को बताएंगे अभी ये क्या खाती क्या नहीं अदर ब्लॉग्स पे। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं, टाटा।